हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस तरीके का ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आर्म होल्स की कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने शोल्डर 6.5 इंच रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6.5 इंच शोल्डर मैंने ले लिया है और ब्लाउज की लंबाई मैंने ले ली है 15 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब नेक की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच। डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम नीचे से 4 इंच पे निशान लगा के उसके बाद सीधे मार्क कर देंगे। सीधे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे सीधे। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम इस तरीके से इंची टेप को रख के 6 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से डिज़ाइन लग रहा है। अब मेन फैब्रिक पर अस्तर को रख कर कटिंग कर लेंगे। कपड़े में पिन लगाकर सिलाई कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर सरके ना, अच्छे से सिलाई हो जाए। अब यहाँ पे सिलाई करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कपड़े को पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पट्टी को जॉइंट कर लिए हैं कट करके, और मोड़ कर यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सिलाई करने के बाद यह डिज़ाइन कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे हम एक पोटली बना के लगा देंगे या बटन, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पे मैं पोटली बना के लगा रही हूँ, आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हो। तो अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटली लगा के मैंने तैयार कर दिया है। अगर आपको यह डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।